हे गाइस, वेलकम वंस अगेन इन एबीपीसी ऑल अबाउट पीसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी MP3 गाने को रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल ABPC ऑल अबाउट PC पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर रोज़ाना एक दो वीडियो अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब करने से आप वो हमारी वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे और नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अपना मोबाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल है। मैं ज़रा सा अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगा देता हूँ ताकि कॉल्स वगैरह आनी बंद हो जाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल है। इस पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फ्री है, यानी कि ये किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है रिंगटोन मेकर नाम से। आप इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी MP3 गाने को रिंगटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी रिंगटोन बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूं। तो चलिए, मैंने रिंगटोन मेकर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है अपने मोबाइल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल के कुछ गाने हैं। मैं इनमें से किसी भी गाने को सिलेक्ट करके उसकी रिंगटोन बना सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हैं, एक गाना सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको उस गाने पर मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से उसे ट्रिम करेंगे, उसे एडिट करेंगे और रिंगटोन बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने एडिट पर क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिमर आ रहे हैं, दो ट्रिमर। आप इनको ट्रैक कर सकते हैं, यानी गाने को आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डाउन ट्रिमर है, इसको थोड़ा सा पीछे लेना पड़ता है तो आपका गाना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये अप ट्रिमर है, इसको आगे खसकाना पड़ता है। तो चलिए, मैं इसे आगे खसका लेता हूँ। आपको जहाँ पर से आपका गाना अच्छा लगता है, आप वहाँ से उसकी रिंगटोन कट कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन बना सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन इतना बड़ा भी नहीं है, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से यूज किया जा सकता है और ये ज़्यादा रैम और ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेता है। दोस्तों, इसे किसी भी मोबाइल पर इंस्टॉल किया जा सकता है और आसानी से रिंगटोन बनाई जा सकती है। जब आपकी रिंगटोन बन जाए तो आपको इसे सेव करना होता है। तो चलिए, मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ। प्ले करके देख लेने से ये रहता है कि हमने कहाँ से अपना गाना कट किया है और कहाँ तक उसे बजाना है, ये चीज़ें आप प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे प्ले कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेव बटन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो म्यूजिक होगी, आपका जो रिंगटोन होगी, वो सेव हो जाएगी। आप इसे एक नया नाम भी दे सकते हैं और इसकी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप में देखेंगे, यहाँ पे म्यूजिक, अलार्म, नोटिफिकेशन और रिंगटोन, इन सब की टाइप हैं, आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसे ऐसे ही सेव कर दिया है, मैं इसका नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं मैं डिफ़ॉल्ट रिंगटोन या फिर कुछ और बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो हो गए हैं, तो एक मेरी रिंगटोन है और दूसरा मेरा फुल सॉन्ग है, जो कि जिससे कि मैंने इस रिंगटोन को कट किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी MP3 गाने को रिंगटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कंप्यूटर की मदद के। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमारी नई नई वीडियो देखते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ट्रिक के साथ।